हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन की ग्रेवी की रेसिपी। एक बार इस तरीके से ग्रेवी बनाकर देखिए, आपको बार बार बनाकर खाने का दिल करेगा। बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसे हमें गोल्डन फ्राई करके इसका बुरिस्ता बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट तैयार कर लिए हैं। साथ ही में एक कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल गरम किया है। उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। मसाले के गरम होते ही इसमें मैं आधा किलो मटन बना रही हूँ, तो आधा किलो मटन मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसे अब अच्छे तरीके से हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। तो अच्छे तरीके से इसे चलाते हुए मैं यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैंने इस पर जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट तैयार किए थे वो ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसे अदरक लहसुन के साथ पका लेते हैं, ताकि इसका जो कच्चापन है निकल जाए। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ करना है, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे मटन मसाला यूज़ किया है। मैंने रेडीमेड मटन मसाला यूज़ किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो बस इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मसाले के साथ भी हमें 5 मिनट के लिए उसे मीडियम फ्लेम में पका लेना है। तो एक बार अच्छे से चलाकर यहाँ पे कुकर से ही ढक्कन ढक देते हैं और थोड़ा सा पकने देते हैं। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। तो दही यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब यूज़ किया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, तभी ऐड किया है। ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ ना करें। नमक ऐड कर दीजिए, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हमें अच्छे तरीके से मटन के साथ मिक्स कर लेना है और मटन को भी हमें दही के साथ पका लेना है। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में दही के साथ उसको पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये पक रहा है, यहाँ पे मैं काजू का पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को मैं मटन में ऐड कर दूँगी। काजू का पेस्ट डालने से मटन की जो ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन का और हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो इसे भी हमें अच्छे तरीके से पका लेना है। तो बस इसे मिक्स करके ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे पकने देते हैं काजू के साथ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी काफ़ी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया। अब इसे हमें भूनना है तब तक जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे अब हम लास्ट स्टेप प्याज का बुरिस्ता ऐड कर देंगे। जब हम प्याज का बुरिस्ता ऐड करते हैं तब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुनाना शुरू हो जाता है और ऑयल मसाले से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम करके मैं यहाँ पे भुनना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मसाला सब कुछ पक चुका है। बस इन प्याज के साथ इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि हमारा जो मटन का टेस्ट है थोड़ा कबाब से ग्रिल्ड सा टेस्ट आ जाता है। तो इसे चलाते हुए आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से भूनना शुरू किया, ऑयल भी एकदम सेपरेट हो गए, मटन के जो रोगन है पूरे तरीके से ऊपर आना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स कि हमारा मसाला पककर तैयार है, मटन अच्छे से भुनाकर तैयार हो चुका है। एक बार इसे चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुना चुका है, मटन भी अब अच्छे तरीके से भुना चुका है। 2 मिनट के लिए और मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो 2 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला कम्प्लीटली रेडी हो चुका है फ्राई होके। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आप गरम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारा मसाला पक जाता है तो उसमें कच्चा पानी डालने से टेस्ट ख़राब हो जाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें चाहिए होती है। इसीलिए हमेशा गर्म पानी का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रहती है। तो इसे चला लेते हैं। अगर आपको पतला सालन पसंद है तो उसको आप पतला थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारा मटन इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तो नमक तीखा सब टेस्ट करने के बाद इसे ढक्कन से ढक कर 3 सीटी से होने देंगे मीडियम फ्लेम में। तो 3 सीटी होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छे से भुना चुका है, पक चुका है, मटन भी यहाँ पे गल चुका है। थोड़ा सा इसे गैस पे और हम चढ़ा देते हैं। अब इसमें लास्ट स्टेप जो हमारा है वो हम कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है।
लास्ट में गरम मसाला डालने से मटन की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। और एक चम्मच यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर यूज़ किया है। केवड़ा वाटर से स्मेल बहुत अच्छे आते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको लगेगा कि आप होटलों वाला मटन खा रहे हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा मटन मसाला बनकर तैयार है। आप इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लीजिए। अगर आपको तीखा कम लग रहा है तो इसमें हरी मिर्च को ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा होगा ठीक है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मटन अब तैयार है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मटन की ग्रेवी बनकर कितना तैयार है। मुश्किल से आधा घंटा से 45 मिनट लगे हैं हमें इसे बनाने में। बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। इसे आप नान, राइस, लच्छा पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी